सो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल द सिस्टर्स मैजिक। मैं हूं आपकी सिस्टर और आज मैं आपके साथ एक इतना अच्छा स्क्रब लेके आई हूं ना, जो कि आपके फेस को लाइट ब्राइट टाइट बनाता है, आपके फेस को इतना खूबसूरत इतना सूद इतना स्मूथ बना देता है ना कि आप इसे ट्राई करने के बाद डेफिनेटली आप जब भी स्क्रब ट्राई करते हैं तो आप इसे ही ट्राई करें। तो इसके लिए करना क्या है, वीडियो में आगे देखना है, लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को टैप कर दे और मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो इसके लिए मैं यहाँ पे एक टमाटर का यूज़ कर रही हूँ, साफ़ सुथरे टमाटर का पल्प मैं इसमें यूज़ करूँगी सबसे पहले। उसके बाद मैं इस पे थोड़ा सा चावल का आटा यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन आधा चम्मच या आप एक चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैं यहाँ पे पिंच भर हल्दी का यूज़ कर रही हूँ, एक चुटकी हल्दी यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ। लास्ट इंग्रेडिएंट होगा हमारे यहाँ पे शक्कर, मैं यहाँ पे शक्कर यूज़ कर रही हूँ। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला के एक पैक या एक स्क्रब की तरह रेडी कर लेना है, जो कि स्मूथली आपके फेस पे अप्लाई किया जा सके। और इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से मिला के और एक पैक सा रेडी कर लेना है, स्क्रबिंग अच्छी तरीके से हो सके। और ये अच्छे तरीके से देखिए मिल जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद अपने साफ़ सुथरे फेस पर इसे स्क्रब। सो मैंने अपने फेस को नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लिया है और ये जो मैंने पैक बनाया हुआ है स्क्रब, इसे मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी और हल्के हाथों से स्क्रब करूँगी। नोज़ और चिन एरिया पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि उस एरिया पे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं और स्क्रबिंग से ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स बहुत हद तक रिमूव हो जाते हैं। अगर आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हैं तो आप स्क्रबिंग को ज़रूर ऐड करें अपने स्किन केयर रूटीन पे। और अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं या दाने हैं तो आप स्क्रब ना करें। और अगर आपके फेस पे एक दो पिंपल्स हैं या थोड़े बहुत दाने हैं तो उस एरिया को छोड़ के आप बाकी एरिया पे स्क्रबिंग कर सकते हैं। और अगर पूरे फेस में आपके बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं तो स्क्रब ना करें। और स्क्रब को वीक में एक दिन सिर्फ यूज़ किया जाता है, और स्क्रब को 2 से 2.5 मिनट ही सिर्फ आप अपने फेस को स्क्रब करें। ज़्यादा देर तक स्क्रब करने से स्किन छिल जाती है, और या फिर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप शुगर का यूज़ करें ही ना। और अगर आप शुगर का यूज़ कर भी रहे हैं तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब आप स्क्रब को रेडी करते हैं तो तुरंत आप इस शुगर को डालें, मिलाएं और स्क्रब करें। ये थी मेरी आज की वीडियो, होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपके लिए थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव रही हो, हेल्पफुल रही हो तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा आपने, नहीं किया होगा तो कर देना है आपको। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे बहुत अच्छी सी रेमेडी लेके। तो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, सी यू सून।